प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जलील शरकपुरी साहब ने। जलील शरकपुरी साहब का नाम उन पांच लोगों में है जिनको आज मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, और उनको निकाला इस वजह से कि उन्होंने मुलाकात की है वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़ार साहब ने, और ये वही पांच लोग हैं और इनके साथी कुछ और भी हैं जिन्होंने पिछले साल मुलाकात की थी PTI की आला क़यादत से। उसके बाद कोई माफ़ी तलाफी हो गई, कुसलानामा हो गया और वापस नून लीग में उन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी कोरोना के आगाज़ में गालबन 3-4 माह पहले भी मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने PTI की आला क़यादत से मिले और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो गया। मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा एक्शन में आ गई और उन्होंने कहा जी अब नहीं, हमने इनको छोड़ना, हमने इनको पार्टी से निकाल देना है। मेरे साथ मौजूद हैं उन निकलने वाले पाँच लोगों में से एक साहब जिनका नाम है जलील शरकपुरी साहब। वेलकम टू द शो शरकपुरी साहब। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी पार्टी को उनसे मुलाकात में क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने आपको किस वजह से निकाला, वो प्रॉब्लम तो बताइए। जी गुजारिश ये है कि मुलाकात करने में तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, और ये तो कोई गैर कानूनी बात नहीं है, ना ही गैर अखलाकी बात है। चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर को कोई भी मिलना चाहे तो उसे मिल लेना चाहिए, इसमें पार्टी को इतराज करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और मुझे बतौर खास आज बुरा लग रहा है कि हमारी मुजमा साहब बहन है और जो है वो अजीबो गरीब किस्म की बयानियां दे रहे हैं, वो अजीबो गरीब किस्म के लफ्ज बोल रहे हैं। मैं फिर ये कह सकता हूँ कि जो मैं बयान दे रहा हूँ मैं अपने जमीर के मुताबिक दे रहा हूँ, और ये जो बयान दे रहे हैं जमीर के मुताबिक नहीं दे रहे। अक्सर MPA हमारे तो मीटिंग मियाँ नवाज साहब सरल जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है, जमीर उनका ये है, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हम साथ हैं, साथ तो रहेंगे, रहना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं समझता हूँ मियाँ साहब का स्टाइल जंग वाला ठीक नहीं है, और मैंने अगर अपने जमीर के मुताबिक ये बात कही तो इसमें जिम्मेवारी कौन सी बात है। और चीफ मिनिस्टर साहब से अगर मैं मिला हूँ और अगर वो मुझसे मोहब्बत से मिलते हैं और मैं उनको उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, गुस्से है तो उनकी बात है, उनके पार्टी वायलेशन है इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, मैं जब भी मिला, साल पहले मिला या जब भी मिला, मैंने कभी भी डिनाई नहीं किया, और मैंने पार्टी के ने एक दफा काम किया था, उस वक्त जमाना इकबाल साहब थे, इकबाल गुजर साहब थे, अताह तारण साहब थे, जो कमेटी बनी थी उन्होंने पूछा तो मैंने कहा देखिए मैं मिलने को बुरा नहीं समझता। उन्होंने कहा अच्छा दिन दरिया का आइंदा ना मिलिएगा, मैंने कहा मैं इंतजार नहीं करता, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर मिलूंगा। ये बताएं कि आपने पार्टी की आला क्यादत से इजाजत क्यों नहीं दी, अगर आप इजाजत लेके मिल लें तो इसमें क्या मजायका है। नहीं क्यों, चीफ मिनिस्टर को मिलना, कोई इजाजत लेके मिलने की जरूरत है, ये कहाँ का कानून है। कल कह रहे हैं कि मैं आप गुलाम बन के नहीं रह सकता, तो क्या हमें गुलाम बना के चलाना चाहते हैं। मेरे ऊपर जो गलत जबान बोलेगा ये उसके बाद मैं फिर उसको उसके अपराध याद कराऊंगा। मेरा बयान बिल्कुल क्लियर है, सीधा मुस्लिम लीग के साथ है। मुस्लिम लीग के साथ रहने का मतलब ये नहीं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलता, कौन सा कानून कहता है चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलता। वो शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, शरीयत ने उसको वोट दिया हुआ है, हम उनका एहतराम करते हैं, सबको मिलना चाहिए। अगर कोई को मसला है तो इजाजत में जो इजाजत लेना जरूरी नहीं है, मतलब ये बातें करने वाली ये बात ही करना गैर अखलाकी है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर को मिलता है पूछ के जाएंगे क्यों किस लिए, हमने तो पार्टी के मकसद के लिए थोड़ी हम जा रहे हैं। अगर कोई इलाके का मसला है, कोई जात की मसला है, किसी दोस्त का इशू है, तो अगर हम जाके बताना चाह रहे हैं तो क्यों मैं पूछूं इसके लिए मैं मिलने जा रहा हूँ, इसमें कौन सी पार्टी वायलेशन है, ये तो ऐसा ये मसला ही नहीं है। और इस बात को इल फील करना ये भी बहुत बुरी बात है, इस बात को महसूस करें फलां बंदा क्यों मिला, फलां बंदा क्यों मिला। अच्छा चलिए ये बताएं कि PTI की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क्यादत को, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आप जब मिले तो किन नुकतों पर, किन चीज़ों पर जो है बहस हुई, बातचीत हुई, जरा वो तो शेयर करें हमारे से। देखिए जो मैं सबसे पहले मिला था, अब मुझे याद नहीं है, वो भी कोई इशू था, अभी लास्ट जब मिले हैं जो अभी जो पिक्चर कर रही है डिफरेंट जगहों पे, वो हमारे MPA मौलाना गयासुद्दीन था, उनके DPO के साथ पर्सनल क्लैश हो गया। पर्सनल क्लैश के बाद DPO ने एक झूठे मुकदमे उनके बेटे के ऊपर किए और दहशत गर्दों की तरह उस बेटे को मारा, उनके बेटे को, उसके घर में खवातीन की तोहिन की। उस DPO की ऐसी तैसी उस DPO के खिलाफ अंपल जाके मेरे IG साहब को, उस DPO के बारे में हमने चीफ मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। तो एक जगह पे एक DPO बदमाशी करता है तो क्या हम IG साहब को और चीफ मिनिस्टर को ना बताएंगे कि आप बंदा गलत आदमी है। तो इसमें कौन से गुस्से वाली बात है, कौन सा इसमें मतलब पार्टी वायलेशन है। पिछले साल आपने मुलाकात की, उसके बाद माफी तलाफी हुई, आपने उसके बाद 3-4 माह पहले भी मुलाकात की, उसके बाद फिर सेटलमेंट हो गई, आपको 2 मौके मिले, उसके बाद आप फिर मिले उनसे और अब उन्होंने एक्शन ले लिया। आप कह रहे हैं कि मिलने का जो है वो किसी से किसी को मसला नहीं होना चाहिए, पार्टी की क़यादत कह रही है कि जो है अब हमसे इजाज़त लें आप किसी और पार्टी से मिलें, ये क्या बयानिया आपका, ये क्या बात है। क्या मैंने किया कि जब पहले मुलाकात शुरू में पहली मुलाकात हुई थी, जब बात हाईलाइट हुई और पार्टी ने पूछा, उस वक्त मुझे भी कॉल किया गया, राणा इकबाल साहब तशरीफ फरमाते, साबिक स्पीकर सूबाई असेंबली, इकबाल गुजर साहब तशरीफ फरमाते, अथवा तारण साहब तशरीफ फरमाते, मैंने उनको जाके अर्ज किया कि ये मेरा साथी इशू था,
इसके लिए मुझे मिलने की जरूरत थी और मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन आइंदा ना मिलिएगा। मैंने कहा जी मैं वादा नहीं करता, आइंदा भी अगर मुझे अपने को जरूरत होगी या मेरे किसी दोस्त का इशू होगा तो मैं जरूर मिलूंगा। ये चीफ मिनिस्टर है, मैं क्यों कहूँ मैं उनको नहीं मिलूंगा? मेरा एमपी होना ना होना अलग बात है, तो चीफ मिनिस्टर को मिलना एक अलग बात है। फिर वो खामोश हो गए। तो बहरहाल मतलब कि मैंने कभी नहीं ये बात कही कि मैं उनको नहीं मिलूंगा आइंदा, या कोई ऐसी मैंने एक्सक्यूज वाली बात की वो कभी भी नहीं की। अच्छा, अब आप निकल गए हैं पार्टी से, उन्होंने आपको निकाल दिया है, आप पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या प्लान है आप लोगों के? नहीं देखे, मैं तो मुस्लिम लीग के साथ हूँ और मुस्लिम लीग पार्टी कोई किसी एक खानदान की नहीं है, ये अवामी पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है। और मुस्लिम लीग के साथ अगर रहने का मतलब ये नहीं है कि जिसको मर्जी जब मर्जी निकाल। आपको मुस्लिम लीग नून ने निकाल दिया पार्टी अपनी से, उन्होंने साइड पे कर दिया, आप कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ, ये क्या बात है? ये क्या हमें क्लियर करें इस बात पे? नहीं फिर किस कानून के तहत निकाल सकते हैं? नोटिस दिया 26 तारीख को, 7 डेज का टाइम दिया, कल मुझे रिसीव हुआ, अभी 7 डेज पूरे नहीं होने जा रहे, निकाल दिया। जब गैर कानूनी हटे खुद कर रहे हैं तो फिर पूरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन कल को बना लेगा कि कौन से कानून और आयन के तहत पार्टियां चला रहे हैं, जिस मर्जी जी को अदालत आ रही है। मतलब की एक पार्टी है, डिसिप्लिन के तहत चले, बावकार तरीके से चले, और हम बुजुर्गों के सबके गद्दे किसी वडेरे की वजह से नहीं हम फिरते। और मेरे बारे में जो बात करता है वो चेक करे, मेरे करदार के मामले में अपना कोई बंदा अपना करदार साबित करे, ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। मैं एमएनए रहा हूँ, जिला नाजम रहा हूँ, हमने सर्व किया है, अपनी जेब से सर्व किया है, हमने कौमी पैसे से पैसा नहीं बढ़ाया। एक तासुर ये है, सोशल मीडिया पे भी इसकी बाजगश्त है, ये बहस है कि आप लोग इस्तेमाल हो गए हैं, आपको या तो तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल कर लिया है, पीटीआई ने इस्तेमाल कर लिया अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून, या आप मुस्लिम लीग नून की किसी बातों में आ गए और आप इस्तेमाल हो गए और उन्होंने आपको साइड पे कर दिया। कोई इस्तेमाल नहीं हुए, ये जेनी तौर पे बुखलाए हुए हमारे साथी जो है बेवकूफी कर रहे हैं, इन्हें खाम पर बुखलाहट में नहीं आना चाहिए। अगर किसी साथी का कोई इशू है और हुकूमत को मिलता है या किसी सरकारी उद्देदार को मिलता है, ये माइंड करने वाली बात ही नहीं है। छोटी सी बात को खाम इन्होंने बात का पतंगड़ बढ़ा दिया है। मैं तो समझा बिल्कुल इमेच्योर लोग हैं, नेशनल असेंबली में बैठे हैं, कोई सुबाई असेंबली में बैठे हैं, जिम्मेदारी से बात करें। आपकी पार्टी के आला अहदेदारान, जितने भी आला अहदेदारान हैं पार्टी के, वो नहीं मिल रहे जाके, आप लोग जाके मिल रहे हैं, आपको ऐसे कौन से मसाइल थे कि आप लोगों ने जाना था, लाजमी मिलना था? नहीं, पार्टी कहाँ कहती है चीफ मिनिस्टर को मिलना बना है, नून है, जमात इस्लामी है, देशभर पार्टियां हैं, कोई पार्टी बता दे कि उसके कानून में लिखा हो जी कि अगर चीफ मिनिस्टर बाहर पार्टी का होगा तो उसको नहीं मिलना। आप नवाज शरीफ साहब के बयानिए से कितनी हद तक सहमत हैं, वो अपना बताएं कि आप उससे कितना एंडोर्स करते हैं उनके बयानिए को? नहीं देखिए, उन्होंने बात तो मेरी जाती तो इसी बात से यूनी खाम पर शुरू हो गई, जो भी सख्त तकरीरों ने फरमाई, कलैश वाला अंदाज अख्तियार फरमाया, तो मैंने यही अर्ज किया कि ये गैर मुनासिब अंदाज है, कलैश की तरफ नहीं जाना चाहिए, लीगल फाइट होनी चाहिए, पॉलिटिकल फाइट होनी चाहिए, कलैश की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब ये जायज बात के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, जब गुस्सा का सब फजूल बयान देंगे तो फिर जाहिर बात है बंदे को रिएक्शन आता है, तो ये तो कोई एतराज वाली बात नहीं, इख्तलाफ राय लीडर से हो सकता है, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? मुस्लिम लीग नून के बैनर तले, पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ा, आपने इलेक्शन जीता, आप असेंबलियों का हिस्सा बने, अब आप जाके दूसरी पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जी आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते और उसके बाद आप जो मर्जी करते, आप हमारे परचम तले, हमारे बैनर तले इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद आप जाके उधर मुलाकातें करते हैं। पानी गलत निकालना वो फिर बिल्कुल ज्यादती है। कौन कह रहा है जी कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं और कौन कह रहे हैं हम तरीके साहब को ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है, आप मुस्लिम लीग के साथ हैं और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं, लेकिन इख्तलाफ राय हो जाना मिजाज का किसी इशू के ऊपर, ये तो एक जमहूरियत का हुसन है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? जो मेरी इतलात है, मियाँ साहब इस सारे मामले में बड़े सीख पाए, बड़े गुस्से में है, अब आप क्या करेंगे? वो सचमुच जब ऐसा कर देंगे तो फिर हम जुलूस निकालेंगे कि मुझे क्यों निकाला, यही हम कहेंगे ना। मियाँ साहब हर सब गुस्से में है, तो अल्लाह ताला उन्हें सबर दे, मतलब हम गली गली मियाँ साहब से पूछेंगे खड़े होकर कि मुझे क्यों निकाला, यही हम कर सकेंगे और अब क्या कर सकेंगे।